हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग खैर से होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक सी गेम। ये एक ऐसी गेम है जैसी सिचुएशन आज इसराइल और गाज़ा में बनी हुई ना, ये बिल्कुल वैसी गेम है, यानी कि उसके ऊपर बिल्कुल फिट हो रही है ये गेम। जैसा कि इसराइल ने भाई गाज़ा के ऊपर हमला किया है, भाई सबको भाई उसने पूरे गाज़ा को तबाह कर देना है। इसी तरह इसी गेम के अंदर भाई जो दुश्मन है ना, उसने हमारे शहर यानी कि मुल्क पे हमला किया और सभी कुछ उन्हें तबाह कर दो। पूरे सिटी के ऊपर जो उसका कब्जा आ चुका है और हर तरफ उसके सोल्जर ही सोल्जर हैं। तो हम जो है इस वक्त अंदर छुपे हुए हैं, टनल के अंदर छुपे हुए हैं, खुफिया बेस के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या क्या कि हमारी बेस के ऊपर भाई हमला कर दिया है और भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसने मार दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इधर देखें भाई, लाशें लाशें उसने कर दी भाई, इतने लोग उसने मार दिए हैं। तो अभी क्या करना है कि हमने इन जो जख्मी हैं, जो मर गए हैं तो वो मर गए हैं, लेकिन जो जख्मी है ना भाई, ये देखें भाई इसकी आंखों की जार जो है वो आंखें निकाल रही हैं। काफ़ी लोग देखें इधर जख्मी है, लेकिन हमारे पास इनको बचाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये बच जाए। तो अभी जो है हम जो है दुश्मन की बेस में जाने वाले हैं, उस बेस को हम जो है ख़त्म करेंगे, या तो उधर से कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसकी वजह से जो जख्मी है ना हम उनको बचा लें, क्योंकि उनके पास भाई बहुत ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास जो आम से वेपन है ना भाई, लेकिन जो दुश्मन है ना उसके पास वो खतरनाक से वेपन है। लेकिन जो अभी हम जाने वाले हैं उनकी जो है बेस की तरफ, तो अभी जो है हमने एक बहुत बड़ा इनकलाब लोगों के अंदर पैदा किया था कि लोगों को अंदर जो है हमने फ्रीडम यानी आज़ादी की जो है जज्बा पैदा किया था। लोगों ने भाई घरों से बाहर निकल आए और देखें भाई हर तरफ लोग ही लोग हो चुके हैं जो कि भाई कह रहे हैं कि हमें आज़ाद करो, हमारे मुल्क को छोड़ कर चले जाओ। तो जो बेस जो सोल्जर थे वो रोड छोड़ के अपनी बेस के अंदर चले गए, क्योंकि लोग उनको काफ़ी तंग कर रहे थे। तो वो बेस के अंदर चले गए, यानी कि फ़िलहाल जो है हमें वो बाहर नज़र नहीं आएंगे, वो अपनी बेस के अंदर हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि इन जो आम लोग हैं इनको भाई किसी न किसी तरह ठिकाने लगाया जाए। तो अभी जो है हम उसकी बेस पर जाने वाले हैं। तो इधर हम पहुँच चुके हैं, इधर ही उनकी बेस है, ये देख रहे हैं ना भाई सामने। इधर पहले तो भाई बहुत सोल्जर थे, अभी इतने सीसीटीवी कैमरा थे कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते थे। तो इनका जो मैंने ये सीसीटीवी कैमरे का जो सिस्टम था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो अभी हम इस तरफ पहुंच चुके हैं भाई, देखें लोग जो हैं उनकी बेस के सामने आ चुके हैं और भैया कह रहे हैं भाई हमें आज़ाद कर दो। तो अभी जो है हम सोल्जर भाई इनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि इधर से हमें इसको भाई ख़त्म करना है। इस जगह पर हमने क्या करना है कि ना भाई इसके अंदर जाना है, इस जगह जो आप देख रहे हैं ना बेस के अंदर जाना है। तो फिलहाल जो है रास्ता हमने ढूंढना अंदर जाने का सबसे पहले। तो अभी जो है हमें भाई इसको भाई ख़त्म करना है भाई, मेरे पास इतनी भाई वेपन्स नहीं है, लेकिन मैंने क्या करना है कि भाई किधर जा रहे हैं, इसको हेडशॉट भी लगाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा गोलियों जो है खर्च ना करनी पड़े। तो इधर दूर से खड़े होकर पहले जो ऊपर बंदे हैं इनको ख़त्म करते हैं। इधर भी काफ़ी बंदे होने वाले हैं, लेकिन उनको भी ख़त्म करना है हमने। लेकिन भी अंदर जाने तो भाई अंदर कैसे जाना है मुझे ये समझ में नहीं। तो भाई अंदर जाने का जो रास्ता है वो हमें नहीं मिला। तो अभी जो उन्होंने हमें कहा कि वापस हमें उन्होंने बुला लिया, तो अभी हम वापस जा रहे हैं, जल्दी से हम वापस जाते हैं जो उन्होंने हमें एक जगह पे बुलाया है, इस जगह पे जाते हैं। तो ये एक नई जगह, तो अभी इधर जाते हैं तो देखते हैं अभी इधर क्या होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा सोल्जर आ गए, तो ये देखें ये हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं, ये एक लड़की है जो भी हमारे साथ हमारी मदद करेगी। लेकिन अभी जो है कुछ मसला बना है जिसकी वजह से मैं वापस आ गया वो जो छोड़ कर। तो अभी जो है हम ये बॉम्ब जो है उठाने वाले हैं। तो हमारे पास जो बॉम्ब आ चुके हैं, तो अभी क्या करना है कि just throw the hack at the panel. Bingo.
You just broke into a maximum security compound. तो भाई दरवाजा इस तरह हमने खोला, तो हमने दरवाजा भाई खोल लिया, तो पता नहीं क्या करना था। इधर जाते हैं भाई, देखते हैं क्या करना है। इधर हमने लगता आना है, तो ये एक नई जगह के अंदर हम आ चुके हैं। नहीं लगता पीछे ही जाना है हमने। इधर इस दरवाजे के जरिए हमने लगता बाहर निकलना है। तो भाई पता नहीं किस तरफ जाना है। इधर से हम नीचे आगे बाहर आगे, तो अच्छा इधर से बाहर जाना है। तो अभी जो हमारा जो टारगेट है वो हमसे 100 मीटर दूर है, तो अभी उस जगह पे जाते हैं जहाँ उन्होंने हमें टारगेट दिया है। हमने क्या है? मेरे ख्याल में जो दुबई दरवाजे की लगी ना, उसको हैक करना है हमने। मेरे ख्याल में इसको हमने हैक करना है। बिल्कुल भाई मैंने सही कहा था। अभी जो है बंदूक निकालते हैं अपनी। तो भाई मेरे पास तो भाई गोलियां भी नहीं है भाई, क्या हो गया, मसला पड़ गया। मेरे पास सिर्फ 9 गोलियां हैं। तो अभी यार मुझे गोलियां चाहिए, इधर से कहीं से मिल जाएं। भाई मेरे पास भाई गोलियां भी नहीं है, क्या करना अभी। तो बंदे भाई इधर बहुत ज़्यादा, जो निशान नज़र आने में सभी बंदे हैं अभी। भाई ये मसला बन गया, मेरे पास सिर्फ 9 गोलियां हैं। रीलोड कर लेता हूँ भाई इनको। तो भाई भाई इधर मेरे सामने से आने वाले। एक गोली भाई रह गई मेरे पास भाई, क्या करना अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई गोलियां मिल जा कहीं से। एक गोली का अब क्या करना था, मुझे वापस जहां से जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास 6 गोली है। अच्छा भाई वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि गोलियां भी बहुत। भाई वापस जाना पड़ेगा, हम जहाँ एरिया छोड़ के भी नहीं जा सकते यार, क्या मुसीबत है भाई। ये गोलियां उन्होंने हमें दी नहीं है तभी। ये तो हम भाई मर गए। मिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमारे पास गोलियां नहीं थी, तो अब दोबारा से मिशन करना पड़ेगा। तो भाई काफ़ी यार मुश्किल था ये, लेकिन कोई नहीं, दोबारा से करते हैं, शायद इस बार हमें गोलियां जो है मिल जाएं। तो भाई जो गेम हमारी काफ़ी पीछे भाई स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई इतनी पीछे आ चुकी है। तो अभी इस जगह को छोड़ो, हम दूसरी जगह पे जाते हैं। तो मैं आपको भाई मैप में दिखाता हूँ मैप। ये देखें भाई, जो एरिया आप देख रहे हैं ना भाई, ब्लू एरिया, उस जगह पे हमारा कंट्रोल हो चुका है, यानी कि उधर हमारे आदमी हैं। लेकिन ये रेड वाला एरिया ना भाई, इधर भाई सोल्जर है उनके, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा खतरा है, यानी कि बहुत ख़तरनाक जोन है ये। तो इसी तरह ये एरिया है जिसमें अभी थे। तो अब जाते हैं इस एरिया में, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन ये उससे कहीं गुना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं है, यानी सिविलियन नहीं है। इधर भाई उनके फौजी, भाई फौजी हैं इतने, भाई आर्मी उनकी कि आप देख नहीं सकते भाई। और इस जगह पे हम अभी जाते हैं, तो इस जगह को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखें भाई, इन्होंने अंदर से टनल बनाई हुई है, जाने का रास्ता जो है ना ज़मीन के अंदर से निकाला हुआ है। तो अभी हम उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि बाद भाई इतनी ख़तरनाक जगह मैं आपको दिखाता हूँ भाई, क्योंकि ये तो भाई इतनी ख़तरनाक नहीं थी जो मैंने आपको अभी दिखा रहा था, लेकिन जिस जगह पे आपको अभी लेकर जाने वाला हूँ भाई, कितनी ख़तरनाक है, आपने भी हैरान हो जाना है। तो भाई अभी हम उस जगह पे आ चुके हैं, यानी कि दूसरे एरिया में। ये एरिया बहुत ख़तरनाक है, इधर भी हमारे जो साथी है, सोल्जर्स हैं वो हैं। तो अभी हम जो जाते हैं दूसरी जगह पे, यानी कि जहाँ पे दुश्मन है हमारे। तो मेरे पास थोड़ी बहुत जो हैं गोलियां हैं, तो थोड़ा सा हमारा काम चल जाएगा। ये देखें भाई, भाई पूरी जगह उन्होंने भाई तबाह करके रख दी इस एरिया को, जैसा है भाई गजा का हाल है ना भाई, इसराइल ने कैसा किया है। ये देखें भाई, कोई जगह भाई उन्होंने सही नहीं छोड़ी, बिल्कुल तबाही मचा दी। देखें ऊपर उनका जो हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर के सामने नहीं आ रहा। इधर देखें भाई, हमारे आदमी भाई छुप छुप के आते हैं भाई, उनके ऊपर हमला करते हैं और हमला करके वापस चले जाते हैं। ये देखें भाई,
फ्री जो है ये दुश्मन है हमारा। एक दुश्मन को हमने ठोक दिया भाई। इधर जो है इधर छलांग लगा के भाई नीचे जाते हैं एक दफ़ा भाई, पावर काफ़ी कम होगी। ये देखें भाई इस जगह पे आपको भाई बहुत सोल्जर मिलेंगे। इधर हम जो है फायर तो निकल ही नहीं सकते ना वैसे, जैसे उस जगह पे हमने भाई क्या किया था पहले, उस जगह पे ऐसा ही खतरा था, लेकिन मैंने भाई लोगों के अंदर भाई बगावत एक तरह की पैदा कर दी थी जो कि भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनको भाई अंदर जाना पड़ा अपने देश के अंदर। तो देखें भाई इधर हर तरफ भी जंग हो रही है। देखें भाई उनका जो ड्रोन है ना भाई, इसको पहले डिस्ट्रॉय करता हूँ भाई। ये देखें भाई मैंने ड्रोन जो है उनका ख़त्म कर दिया है। इसके अंदर से हमें जो है पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा मिला है कि बैटरी मिली है। ये देखें इधर हमारी भाई जंगें होती रहती हैं क्योंकि भाई इधर ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है मुझे थोड़ी बहुत गोलियां और पैसे वगैरह मिले इनसे, जो पैसे होते हैं इनके ज़रिए हम जो है बंदूकें वगैरह न्यू वेपन्स खरीदते हैं, लेकिन अभी जो है न्यू वेपन्स की ज़रूरत तो नहीं है। अभी जो हम मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ भाई कितनी ख़तरनाक जगह है ये, एक तरह की ना भाई किसी भी जगह पे हम जा सकते हैं, यानी रैंडम है, रैंडमली किसी जगह पे भी घूम सकते हैं। तो देखें भाई इधर जो है उनके फौजी, हम इसको अभी ठिकाने लगाते हैं सबको। इधर देखें भाई इनके साथ एक ड्रोन है भाई, देखें भाई इधर ड्रोन आया है। ये वाली बंदूक है जो भाई ना इसके ऊपर एक लगा हुआ है, आवाज़ इससे नहीं आती। इसको भाई मैंने ख़त्म कर लिया है। हमारे जो आदमी हैं वो भी इस जगह पे मेरे ख्याल में आ जाएंगे, लेकिन जल्दी से इनको तो नहीं ख़त्म करते हैं। भाई क्या भाई रीलोड करने लग गया भाई, भाई निशाना नहीं ना इतना, भाई हिल कर लें भाई। पावर भाई काफ़ी ख़त्म कर दी उन्होंने, डैमेज काफ़ी ज़्यादा दे दिया था। तो फिर से जाते हैं भाई, इनको ख़त्म करना है मैंने। दो इधर सामने मेरे, इनको पहले दो को ये वाली ले लूँ दूसरी। चल कहाँ छुप रहा है भाई, उसकी गोलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन भाई एक बंदा रह गया सिर्फ एक बंदा, उसको भी टिकाने लगा दिया है। तो अभी इनके इनसे हम जो गोलियां वगैरह वो लेते हैं, शायद हमारे इनसे कुछ हमें गोलियां मिल जाएं, क्योंकि अभी दूसरी बंदूक की जो गोलियां वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो भाई काफ़ी गोलियां मेरे पास हो चुकी हैं, दूसरी हो भाई उसकी भी देखें भाई काफ़ी हो गई हैं। तो अभी हम जाते हैं भाई, इसका जो ऊपर जो लगा हुआ है ना भाई देखने वाला, जिससे निशाना लगाया था ये बहुत ख़राब करता है, क्योंकि इससे सही निशाना नहीं लग पाता। दो लगे हुए ना, ये देखें दो, एक होता तो भाई ठीक था, अभी दो लगे हुए निशाना नहीं सही से लग पाता। तो भाई जगह देखें भाई इतनी ख़तरनाक जगह है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हमने जो है उनके सोल्जर मार दिए हैं, लेकिन भाई उनके फिर से सोल्जर आ जाएंगे, हर तरफ उनके सोल्जर ही सोल्जर हैं। ये देखें भाई इसके अंदर बाइक है, बाइक लेते हैं। तो ये बाइक भाई चलाते हैं भाई, बाइक चलाने का भी बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। बाइक के ज़रिए आप वो हमारे सामने आएंगे ना भाई, बाइक के ज़रिए हम उनको गा देंगे भाई ये तो मेरा बंदा था, मर तो नहीं गया भाई। अभी हम जो है उनका कोई बंदा ढूंढते हैं, उसके ज़रिए उड़ा देंगे, ये तो हमारे ही बंदे हैं। भाई क्या बात है, हर तरफ तबाही तबाही है जी, तबाही तबाही हो चुकी है, लेकिन इस वक्त ना हर तरफ हमारे आदमी, क्योंकि भाई इधर पीछे एक बंदा था उनका, उसको भाई बाइक के ज़रिए उड़ाना पड़ेगा। वो भाई इसके अंदर है भाई, ये क्या उनकी बेस है। तो इधर से निकलते हैं भाई, कहीं आई ना जाए। क्या बात है भाई इतनी स्पीड भाई, तो भाई उनके सोल्जर तो भाई इस वक्त कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, शायद मैंने सभी को ख़त्म कर दिया है।
कभी उनके साथ सोल्जर रहना भाई। भाई किधर आ गए भाई? तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके जो वीडियो पसंद आई है, तो नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा इस गेम के ऊपर। भाई कमाल की गेम है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा भाई। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।